Okay, so I hope so everyone is has joined again. Assalamu alaikum everyone, and then we're gonna start with the हम carcinogenesis पढ़े थे, ठीक है? Carcinogenesis में we're gonna start with the oncogenes right now, ठीक है? Oncogenes basically मैंने proto oncogenes का बताया, ठीक है? Proto oncogenes are the normal genes that are essential for the cell growth and differentiation, ठीक है? जब इनमें mutations हो जाती हैं, ठीक है? They form the oncogenes, ठीक है, which leads to unregulated cellular growth, ठीक है. उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज आती हैं oncogenes की, ठीक है. कैटेगरीज में हमारे पास या तो वो ग्रोथ फैक्टर्स बाय देयर सेल्फ्स होते हैं, ठीक है, या तो फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स में कोई म्यूटेशंस आ जाती हैं, या फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है. सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? जो रिसेप्टर से लेके न्यूक्लियस तक सिग्नल ले जाता है, ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियर रेगुलेटर्स भी आ सकते हैं, और सेल साइकिल जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है वो रेगुलेटर्स भी आ सकते हैं. तो वो हम आगे टेबल देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स ले चलूं, ठीक है. ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? बेसिकली दे इंड्यूस द सेलुलर ग्रोथ. ग्रोथ फैक्टर्स आके लगते हैं रिसेप्टर पर, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट होता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, सिग्नल फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर्स से स्टिमुलेट होता है, वो सिग्नल सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स को जाते हैं, ठीक है. सिग्नल ट्रांसड्यूसर क्या करता है? वही सिग्नल जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ वो एसोसिएटेड होता है, वो सिग्नल न्यूक्लियस को ले जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमें आगे एग्जाम्पल बताई हुई है रैस की, RAS की, ठीक है. इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर, ठीक है. वही बात है कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर RAS, ठीक है, सिग्नल इधर से उधर तक ले जा रहा है. अब इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ठीक है, इन एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है. बेसिकली दे आर बाउंड टू GDP, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है. अब हमारे पास जो GDP जब इसके साथ बाइंड करता है रिसेप्टर पर आकर, हमारे पास कोई ग्रोथ फैक्टर आकर बाइंड करता है, तो GDP जो होती है इट इज रिप्लेस्ड बाय GTP, ठीक है. और एक्टिवेशन ऑफ RAS हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली फॉस्फोराइलेशन हो गई है, ठीक है, एनर्जी मिल गई है उसे, एक फॉस्फेट ज्यादा आके लग गया तो एक्टिवेशन हो गई है, ठीक है. एक्टिवेटेड RAS जो है बेसिकली इट सेंड सिग्नल्स टू द न्यूक्लियस, वही जो सारे ग्रोथ के सिग्नल्स थे वो न्यूक्लियस को जाके रिले कर देते हैं, ठीक है. अब हमारे पास खुद ही इसका सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, ये अपने आप को भी खुद इन फिर इसकी इनहिबिट भी कर देता है, अपनी एक्टिविटी इनएक्टिवेट भी कर देता है खुद को. कैसे? बाय क्लीविंग द GDP टू GDP अगेन, ठीक है. और ये किस एंजाइम की मदद से होता है? GDPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन की मदद से होता है, ठीक है. अब हमारे पास म्यूटेटेड RAS जो होता है बेसिकली उसमें एक्टिविटी ऑफ GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो है वो इनहिबिट हो जाती है. GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या कर रही थी? इसको इनहिबिट कर रही थी. जब इसकी एक्टिविटी GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई है, ठीक है, तो हमारे पास RAS की एक्टिवेशन रहेगी, ठीक है, एक्टिवेटेड RAS रहेगा. तो एक प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ RAS और जितने ग्रोथ सिग्नल जाने होंगे उससे डबल ट्रिपल 10 टाइम सिग्नल्स जाएंगे टू द न्यूक्लियस, ठीक है, और वही अनडिफ्रेंशिएटेड अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास. फिर आगे बताया है कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स की बात करके उसके बाद बताया कि सेल साइकिल रेगुलेटर्स जो होते हैं, ठीक है, दे बेसिकली सेल साइकिल रेगुलेटर्स मीडिएट प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल, ठीक है. उसमें हमारे पास एग्जांपल साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की दी हुई है, ठीक है. बेसिकली क्या करते हैं ये जो सेल साइकिल को, क्योंकि ये मेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोग्रेशन को, साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, व्हिच फॉस्फोराइलेट्स द प्रोटीन दैट ड्राइव्स द सेल साइकिल सेल्स थ्रू द सेल साइकिल, ठीक है, और ये एक्टिवेशन कॉज कर रही है आगे, ठीक है. और एक्टिवेशन में एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई, हमारे पास दो तरह की मेन प्रोटीन होती है, एक P53 और एक रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है. तो ये क्या करती है कि फॉस्फोराइलेशन
फॉस्फोराइलेट्स रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन विच प्रमोट्स प्रोग्रेशन थ्रू G1 टू S चेक पॉइंट. ये आगे मैं आपको पूरा डायग्राम इसका दिखाऊंगी. I guess we have a question here. Hidden point three. Activated RAS augment. Which means augmented mean it is done with the help of G. It is done with the help of GTPase activating protein, enhanced by the GTPase activating protein. Okay, I will repeat. पहले हमारे पास क्या था? RASIC basically signal समझे ये टैक्सी है, ठीक है? टैक्सी इधर से सिग्नल ले जाती है रिसेप्टर से लेके न्यूक्लियस तक के. इसका काम बस सिग्नल को पहुंचाना है, ठीक है? इधर से लेके उधर तक सारा सिग्नल्स ले जाती है. न्यूक्लियस कहती है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर, ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड करता है, वो सिग्नल देता है. अब ऑब्वियसली अंदर उसे एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए सिग्नल को न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, तो वो RAS के थ्रू होता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जब सिग्नल पहुंचा देती है, ठीक है, सिग्नल पहुंचाने के लिए इसको क्या चाहिए होता है? एक फॉस्फोराइलेशन चाहिए होती है, जीटीपी जो इसके साथ लगा होता है, एनर्जी चाहिए होती है, एक फॉस्फेट चाहिए होता है जीटीपी, ठीक है? तो फॉस्फोराइलेट हो जाता है जीडीपी टू जीटीपी. अब वो वापस से, क्योंकि इसे रोकना भी तो होता है ना, तो जब ये सिग्नल पहुंचा देती है तो उसके बाद हमारे पास जीटीपीएज एंजाइम की मदद से, ठीक है, जीटीपीएज एक्टिव प्रोटीन की वजह से वो जीटीपी जो है वो वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है कि बस अब सिग्नल पहुंच गया. लेकिन हमारे पास जब म्यूटेशन इन RAS आती है तो जो GTPase एंड एक्टिवेटिंग प्रोटीन है ना उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है. मतलब अब वो हमेशा GTP की स्टेट में रह रहा है, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में रह रहा है. तो सिग्नल्स जितना, अगर एक सिग्नल आ रहा है तो 10 सिग्नल फिर पहुंचा रहा है, क्योंकि इसकी इनएक्टिवेशन ही नहीं हो रही. ये बार बार उसको स्टिमुलेट करता है न्यूक्लियस को, तो बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. आई होप दैट्स क्लियर. Okay, so how RAS got mutated here? Basically, हमारे पास इसमें जो RAS में mutations होती हैं, वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी, they are point mutations, ठीक है? इसमें हमारे पास जो different हमने carcinogenic stimulus और substances पढ़े थे ना, वो जाके हमारे पास mutations cause करती हैं. अब इस RAS में हमारे पास point mutation होती है. Point mutation क्या होती है? It is basically the substitution of single nucleotide base by different base, ठीक है? तो mutation हो जाती है RAS में due to some external stimuli causing cancer, ठीक है? Stimulus हमने जो पढ़े थे सारे, इतने ज़्यादा carcinogenic chemical substances और viruses और वो सारे बताए थे. तो due to some reason, due to some of the carcinogen, it gets mutated and mutation के बाद ही होता है. You're confusing point four with point five. Basically, they've told कि कैसे normal mechanism होता है, ठीक है? फिर उसके बाद बताया कि अगर mutation आ जाती है, तो फिर क्या होता है? I hope that's clear. Okay, that's great. Shukr alhamdulillah. And now we move on to the next topic. Sorry, the diagrams. Yes. Ab ye hamare paas se ek bahut bada diagram diya hua. Again, if you can look into it in your book, then it would be good. Kyunki yahan par aapko sahi se cheeze nazar nahi aayengi. Lekin this is a very unimportant diagram. Iski koi itni importance nahi hai. I'll just go through it briefly. So first of all, jaise maine bataya ki hamare paas mutations kis cheez mein ho sakti hain. या तो फिर ग्रोथ फैक्टर में हो सकती हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स में हो सकती हैं, या सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स में हो सकती हैं, न्यूक्लियर रेगुलेटर्स में, या सेल साइकिल रेगुलेटर्स में.
तो ग्रोथ फैक्टर म्यूटेशंस या ऑन्कोजीन की हमारे पास एग्जांपल प्लेटलेट लाइफ ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। इसका नॉर्मल क्या है फंक्शन के वही प्लेटलेट वगैरह जब स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, तो जाके प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स और हमारे पास एक वो करता है, ठीक है, इसका ग्रोथ में ही फंक्शन है, देर ऑल रिलेटेड टू ग्रोथ बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसके साथ नाम आप सिर्फ ट्यूमर्स के याद रखो कि कौन कौन से ट्यूमर्स आर एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। तो विद प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर वी हैव एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पे आते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स मेन जो है हमारे पास ये एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर बीटा टू हमारे पास आते हैं, जिसमें हर टू रिसेप्टर आता है। हर टू किस लिए होता है, ब्रेस्ट कैंसर्स में होती है इसकी म्यूटेशन, ठीक है। देन वी हैव आरईटी, आरईटी हमारे पास किस किस में हमारे पास एसोसिएटेड है, मेन टू ए बी, मेन टू ए ऑफ सिंड्रोम्स ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। एंड देन स्पोरैडिक मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एज वेल। देन वी हैव किट, किट इज अ स्टेम सेल ग्रोथ रिसेप्टर, ठीक है। और उसके बाद वी हैव इसके साथ एसोसिएटेड ट्यूमर गैस्ट्राइट ग्रोथ फैक्टर एस्ट्रोसाइटोमा, हर टू सबसे ब्रेस्ट कार्सिनोमास, एंड आरईटी मेन टू ए मेन टू बी एंड स्पोरैडिक कार्सिनोमा मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। देन वी हैव द सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, वो जो रिसेप्टर्स के साथ लगे हुए थे और सिग्नल्स टू द न्यूक्लियस से जा रहे थे, उनमें हमारे पास आरएस जीन फैमिली आती है, ठीक है, जो अभी पूरा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। एंड इसकी वजह से कौन से हमारे पास कार्सिनोमास भी हो सकते हैं, मेलानोमा भी हो सकते हैं और लिम्फोमा भी हो सकते हैं। एंड वी हैव एबीएल व्हिच कॉजेस सीएमएल एंड सम टाइप्स ऑफ एक्यूट मायेलोइटिस, एक्यूट लिम्फोसाइटिक लीकेमिया। देन वी हैव न्यूक्लियर रेगुलेटर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर रेगुलेट कर, अब सिग्नल्स तो न्यूक्लियस तक आ गए हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जैसे सिग्नल्स ट्रांसड्यूस हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो उसमें हमारे पास ये माइलोसाइटोमाइटोसिस प्रोटीन्स आती हैं, ठीक है। सी एम आई सी आती है व्हिच इज बेसिकली फॉर सेलुलर, सेलुलर एम आई सी है, तो ऑब्वियसली देखें बर्किट लिम्फोमा क्या था, वाइट ब्लड सेल्स का एक कैंसर था, ठीक है। तो बर्किट लिम्फोमा एसोसिएटेड ट्यूमर है। एन एन वाई सी न्यूक्लियर हमारे पास एन वाई सी आती है, तो न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, उससे याद रखना आपने। और एल एम आई सी लंग, एन वाई सी आती है तो लंग कार्सिनोमा, उससे याद रख लेना आप। और सेल साइकिल रेगुलेटर्स आते हैं, ठीक है, साइक्लिन बी वन सी सी एन डी वन उसमें भी आते हैं, उसका एसोसिएटेड ट्यूमर हमारे पास मेंटल सेल लिम्फोमा और सी डी के फोर का मेलानोमा। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ बाय रिमेंबरिंग एवरी वन ऑफ दीज, क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगे वो चैप्टर्स में विदीश टॉपिक आपको बता देंगे, और जो अनइम्पॉर्टेंट होंगे वो ना क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं ना आपको कभी काम आने हैं। And then we, if you have any confusion from this topic, you can just drop down the question. Otherwise, I'll move on to the next topic. Okay, so T11 to 14 means it is translocation from the normal chromosome 14 to the mutated chromosome 11. ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, उसमें वो म्यूटेशन आ रही है। आई होप दैट इज क्लियर। Okay, so you guys are asking about the explanation of these terms. Ke in terms ka meaning kya hai?
Okay, so driver mutation, basically, first of all, you ask ki driver mutation kya hoti hai. So it is basically the mutation in that specific chromosome वगैरह, ठीक है, the DNA sequence जो है, उसके अंदर जो change आया है, which causes the cell to become precancerous या cancerous, ठीक है, and grow in an unorganized manner. And amplification, तो amplification term means कि आपका मतलब उसका ज्यादा response produce होना start हो जाता है, ठीक है. Yes, I guess we'll move forward now then. Sorry, where? In the wait, let me see. Oh, yes, the nuclear regulators, yes, immunoglobulin heavy chain. जैसे फर्स्ट करें इधर लिखा हुआ है ना T8814 इन्वॉल्विंग IGS इन द फर्स्ट वन ना. It means के on the immunoglobulin heavy chain, there's a translocation from chromosome 14 to the chromosome 18, disrupting the sequence of DNA. Yes, okay, thank you. And now we move on forward. Okay, so we have the tumor suppressor genes, ठीक है. Basically, we discussed right now was जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, it was the oncogenes, okay, which can cause it. And tumor suppressor genes की बात आते हैं, ठीक है. Basically, they regulate the cell growth, ठीक है, and they decrease the risk of tumor formation by suppressing it, ठीक है. इसमें मेन जो हमारे पास आती है वो P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है. P53 इज बेसिकली नोटेड डाउन विद यू इन द टेक्स्ट, इट इज द गार्डियन ऑफ जीनोम, द मोस्ट कॉमनली म्यूटेटेड जीन इन ह्यूमन कैंसर. सो वी मूव ऑन फॉरवर्ड, ठीक है. हमारे पास जो दोनों बेसिकली जीन्स होती हैं, द P53 एंड द रेटिनोब्लास्टोमा, दे बोथ रेगुलेट द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल फ्रॉम G1 टू S फेज. मैं ये डायग्राम आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ, इट्स गोना मेक इट मोर क्लियर. ये देखिए हमारे पास सेल साइकिल है, ये ठीक है. वी हैव द M फेज जिसमें वही सेल डिवीजन माइटोसिस हो रहा है. उसके बाद द सेल एंटर्स द G0 फेज जिसमें हमारा रेस्टिंग फेज होता है. फिर G1 फेज होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गन्स डुप्लीकेट हो रहे होते हैं और प्री साइनेप्टिक ग्रोथ हो रही होती है. लेकिन जब तक हमारे पास इस चेक पॉइंट पे क्लियर नहीं होता, ठीक है, जीन्स हमारी इधर प्रेजेंट होती हैं, द P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा, जब तक वो चेक पॉइंट नहीं देती कि ओके यू आर गुड टू गो फॉरवर्ड, तब तक वो G1 से S फेज मतलब DNA रेप्लिकेशन फेज एंटर नहीं होता, ठीक है. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट दिस डायग्राम, कीप इट विद यू, ठीक है. इट डज नॉट एंटर द नेक्स्ट S फेज. तो क्या होता है हमारे पास कि अगर म्यूटेशंस आ जाती हैं इन द P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन, तो जो डिफेक्टिव डीएनए भी होता है, ठीक है, जो डिफेक्टिव डीएनए भी होता है वो भी एस फेज एंटर करना स्टार्ट कर जाता है. डिफेक्टिव डीएनए फिर रेप्लिकेट भी स्टार्ट करना जाता है और आगे हमारे पास ट्यूमर बन जाता है. मूविंग बैक टू द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है, वी हैव द P53 का बताया हुआ है, ठीक है. अब हमारे पास जब डीएनए डैमेज होता है, ठीक है, तो P53 जो है इट स्लोज द सेल साइकिल, ठीक है, इधर से इट स्लोज इट डाउन, ठीक है, जो स्पेसिफिक सेल साइकिल स्टार्ट होता है हमारा उस स्पेसिफिक सेल का, ठीक है. एंड डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को बुलाती है, सिग्नल देती है कि P53 जो है आप इधर आओ, इस डीएनए को रिपेयर करो, ठीक है, ताकि वो एस फेज एंटर हो सके. इट स्लोज इट डाउन हियर. लेकिन इफ इट कैन नॉट बी रिपेयर, ठीक है, डीएनए रिपेयर इज नॉट पॉसिबल,
P53 उसके अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस करा देती है। कैसे? हमारे पास एपोप्टोसिस का जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है हमारे पास, उसमें क्या कराती है, कैप रेगुलेट्स द बैक्स, बेसिकली बैक्स स्टिमुलेटरी फॉर एपोप्टोसिस, ठीक है, और BCL2 के एक्सप्रेशन को कम कर देती है, व्हिच इनहिबिट्स द एपोप्टोसिस, तो उसका एक्सप्रेशन कम होगा तो वो जाके सिग्नल करता है, जब उसके लेवल्स कम होते हैं तो सिग्नल करता है साइटोक्रोम सी लीकेज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया और एक्टिव एपोप्टोसिस हो जाता है। इतना लंबा अगर आपने याद नहीं भी रखना तो जस्ट रिमेम्बर P53 slows the cell cycle and upregulates the repair enzyme if the DNA is damaged, and if damage is not repairable, then it induces apoptosis. Okay, then we have, they're telling ki jo basically tumor suppressor genes hoti hai, inki both of the copies must be defective, knocked out, theek hai, for tumor formation. The both copies must be knocked out for tumor formation. इसकी दो copies होती हैं on the gene, ठीक है? अगर P53 की एक copy knockout हो रही है, one copy के साथ it can work fine. लेकिन दोनों copies का knockout होना जरूरी है in this. Okay, I'm gonna repeat the remembering points. Remembering points आपके कौन से हैं? कि हमारे पास if there is DNA damage, ठीक है? If there is DNA damage, P53 slows the cell cycle, ठीक है? And calls the DNA repair enzymes for DNA repair. But if the DNA cannot be repaired, then it induces apoptosis in that specific cell. Okay. So then, जो मैंने आपको concept बताया कि दोनों genes इसकी knockout होनी चाहिए, दोनों genes defective होनी चाहिए for the mutation to occur, तो उसको कहते हैं nuts. Hypothesis. Then we have the retinoblastoma. वो भी same उन्होंने बताया कि progression from the G1 to S phase उसमें होती है, ठीक है, tumor suppressor gene present होती है. Yes, both genes of P53, both copies of P53 gene on the chromosome. Okay, and then we have the retinoblastoma, ठीक है, वो भी same progression करा रही है. अब sorry, okay, so retinoblastoma also regulates the progression from G1 to S phase, and then we have the retinoblastoma, ठीक है, इसका mechanism बताया है कि हमारे पास E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, तो इट हैज E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर व्हिच इज नेसेसरी फॉर एंटरिंग द एस फेज, ठीक है, जो इधर पीछे हमें दिखाया हुआ है, एस फेज में एंटर करने के लिए इट हैज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. रेटिनोब्लास्टोमा हैज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर व्हिच इज नेसेसरी फॉर सेल टू एंटर द एस फेज, ठीक है. अब हमारे पास when the retinoblastoma is basically phosphorylated, ठीक है, by the cell regulators जो हमने पढ़े थे cyclin D और cyclin dependent kinase 4, तो जब उससे phosphorylate होता है तो ये E2F release करता है और it sends a green flag green signal to the cell कि now you can, you know, enter the next phase through E2F. लेकिन mutation जब इसमें हो जाती है retinoblastoma में, so it starts releasing quantities of E2F even when not required, aur hamare paas us signal ki zarurat nahi hoti, wo bas quantities of free E2F produce kar raha hota hai aur signal cell ko de raha hota hai, yes aap bhi kuch ho next cycle mein, aap bhi kuch ho, chahe DNA damage ho chahe jo bhi ho, un cell ko enter kara raha hota hai the next DNA replicative phase, aur bhai phir damage DNA replicate hota hai aur tumor form ho jata hai. And idhar wahi baat hai, phir se nuts and tubes hit hypothesis hai ki both copies of retinoblastoma gene must be knocked out for the tumor formation. Okay, so ye point repeat kar rahe hain, I'm writing both copies of P53 are needed for apoptosis. No, both copies of P53 are not needed for apoptosis. Both copies of copy of P53 can do the work, theek hai, lekin for the defective to cause a mutation in P53 or retinoblastoma, इसकी जो बोथ कॉपीज हैं उनका डैमेज होना जरूरी है, क्योंकि एक कॉपी से भी वैसे काम चल जाता है, लेकिन जब तक दोनों कॉपीज म्यूटेट नहीं होंगी तब तक हमारे पास ये मतलब वो कैंसर फॉर्म नहीं होगा.
यस म्यूटेशन तब तक प्रॉपर म्यूटेशन नहीं होगी जब तक बोथ कॉपीज यस यस वर्क कैन बी डन बाय वन कॉपी एज वेल. Okay, so I guess this is clear. Now we move on to the regulators of apoptosis. ठीक है, regulators में हमारे पास क्या क्या आते हैं. ठीक है, basically regulators क्या होते हैं, they prevent the apoptosis. regulation कैसे होती है कि there is prevention of apoptosis in normal cells. ठीक है, ये normal cell जब progress कर रहा है तो उसमें apoptosis की क्या जरूरत है. ठीक है, जब तक उसमें कोई defect नहीं आया. लेकिन mutated cells में जिनमें डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता तो उनमें सिग्नल जाता है अपोप्टोसिस का एंड इट प्रमोट्स अपोप्टोसिस. ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है. BCL2. ठीक है, BCL2 में क्या है कि इट नॉर्मली स्टेबलाइजेस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, और साइटोक्रोम सी जो कि अपोप्टोसिस आगे फॉर्म करता है उसके रिलीज को रोकता है. लेकिन जब BCL2 में डिस्ट्रप्शन होती है तो इट अलाउज साइटोक्रोम सी टू लीक फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्टिवेट एपोप्टोसिस. ठीक है, अब जब हमारे पास BCL2, बस आपने ये याद रखना है नॉर्मली कि BCL2 क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है. ठीक है, अब जब हमारे पास डिस्ट्रप्शन जो फॉलिकुलर लिम्फोमा है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि BCL2 इज ओवर एक्सप्रेस्ड. मतलब BCL2 ओवर एक्सप्रेस्ड है, वो एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है. ठीक है, और एपोप्टोसिस नहीं हो रहा और जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं उनका ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. वो डीएनए डैमेज जिनमें सेल्स में है वो बढ़ते जा रहे हैं. यस, इट कॉजेज एपोप्टोसिस इन म्यूटेटेड सेल्स बाय डाउन रेगुलेटिंग इटसेल्फ. ठीक है, लेकिन जब इसकी डाउन रेगुलेशन नहीं हो रही तो हमारे पास ओवर एक्सप्रेशन जब हो रहा है तो अपोप्टोसिस नहीं होगा. आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो आपने कहा कि जो बट BCL2 कॉजेस अपोप्टोसिस इन म्यूटेटेड सेल्स. यस, BCL2 कॉजेस अपोप्टोसिस इन म्यूटेटेड सेल्स. कैसे, बाय डाउन रेगुलेटिंग इटसेल्फ. ठीक है, हमारे पास वैसे तो ये जब प्रेजेंट है होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्लॉक एपोप्टोसिस. लेकिन जब इसके डाउन रेगुलेशन होती है तो क्या करते हैं, साइटोक्रोम सी का रिलीज कराता है और एक्टिवेट करता है एपोप्टोसिस को. लेकिन जब हमारे पास ओवर एक्सप्रेशन है BCL2 का, ठीक है, तो ऑब्वियसली एपोप्टोसिस सेल में रुक ही रहा है. इट इज बेसिकली इसका नाम एपोप्टोसिस ब्लॉकर आप रख लें. ठीक है, एपोप्टोसिस उसमें नहीं हो के ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है हमारा सेल्स में, तो क्या होगा हमारे पास कि जो म्यूटेटेड सेल्स हैं उनका भी अपोप्टोसिस नहीं होगा. क्योंकि अपोप्टोसिस तो ये अपने आप को डाउन रेगुलेट करा के करता है, अपनी क्वांटिटी कम करके इसमें डिस्ट्रप्शन कॉज करके कराता है. तो जब डिस्ट्रप्शन ही नहीं हो रही, ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, तो हमारे पास ट्यूमर सेल्स प्रोग्रेस करते जाएंगे आगे. I hope that is clear now. Yes, it has a function to inhibit apoptosis. Yes, please. अच्छा, फिलहाल जो है ना, इन्होंने मतलब जो आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको दोबारा से ये चीज रिपीट करा देती हूँ. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में ना आप पढ़ेंगे. साइटोक्रोम सी रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताती हूँ. ठीक है, इट वुड बी क्लियर फॉर यू देन. हमारे पास जो BCL2 है, ठीक है, इट बेसिकली हमारे पास इसका क्या फंक्शन है, एपोप्टोसिस को ये रोकता है.
ठीक है, कैपोप्टोसिस ना हो, जब हमारे पास इसमें ओवर एक्सप्रेशन आता है कैंसर्स वगैरह में अक्सर इसका, तो क्या होता है कि सेल्स एपोप्टोसिस नहीं हो सकता उनका, ठीक है, म्यूटेटेड सेल्स का एपोप्टोसिस नहीं होता, तो क्या होता है कि म्यूटेटेड सेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मेलिग्नेंसी कैंसर कॉज होता है। और आपका क्वेश्चन है कि अगर एप्टोसिस हो या म्यूटेटेड सेल्स, बेसिकली जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं, वो बीसीएल टू के एक्सप्रेशन को ओवर एक्सप्रेस कर लेते हैं कि वो, और ये क्या करती है, एपोप्टोसिस को रोकती है, तो वो इस वजह से एपोप्टोसिस होता ही नहीं है। नॉर्मल सेल्स में, जो नॉर्मल सेल्स की बात है वहां पर, कि प्रमोट्स एपोप्टोसिस इन नॉर्मल सेल्स, ऐसे करता है कि इसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है खुद ही सेल्फ रेगुलेट करके, इसके जब बीसीएल टू कम होगा तब एपोप्टोसिस होगा, जब बीसीएल टू ज्यादा होगा तब एपोप्टोसिस नहीं होगा। और कैंसर में बीसीएल टू ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से उन सेल्स का एपोप्टोसिस नहीं होता। I hope that is clear by now. Okay, so then they've given the example of BCL2, ठीक है, जो कि बताया कि it is overexpressed in follicular lymphoma, ठीक है। अब हमारे पास ये translocation बताई है, ठीक है, कि in like it moves BCL2, which is normally present on chromosome 18, to the IgG heavy light chain locus, which is present on the मतलब T18 to 14 translocation है ना, IgG heavy chain पर क्या कर रहा है, BCL2 जो normal chromosome 18 पर present है, तो उसको ले जाके 14 पे लगा रहा है, which results in increased BCL2, ठीक है, उसका over expression हो जाता है chromosome 14 पर जाके, which means the mitochondrial membrane is further stabilized, mitochondrial membrane में pores नहीं बनेंगे, क्यों, stabilize हो जाएगी, तो cytochrome C release नहीं होगा और apoptosis नहीं होगा, ठीक है। And they've said that B cells that would normally undergo apoptosis during somatic hypermaturation in the lymph node germinal center accumulate leading to lymphoma. ठीक है, apoptosis नहीं हो रहा तो obviously the normal cells that will undergo apoptosis, they're not here, hypermutated cells हैं उसमें और lymphoma cause कर रहे हैं। ये lymph node का एक carcinoma की उन्होंने image दिखाई हुई है। Yes. I hope that is clear by now. If you have any other questions, you can ask. Okay, so Okay, question, I guess. यस, पढ़ाती है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो सेल immortality होती है, immortality मतलब सेल आपका they do not like go through cell death, उसके लिए telomerase important होता है, ठीक है। normally जो हमारे पास क्या होता है, telomeres जो होते हैं, the ending sequence, the tail of that telomeres shorten with the cell divisions, ठीक है, जितनी ज्यादा divisions होती जाती हैं उतने वो shorten होते जाते हैं, ठीक है, eventually resulting in the cellular senescence, मतलब senescence क्या होते हैं, by which the cell ages and stops growing. In short, they're trying to say कि हर division के साथ जो हमारे पास telomeres होते हैं वो short होते जाते हैं, then they reach
a stage where the cell is no more dividing. ठीक है, अब हमारे पास कैंसर में क्या होता है, अपरेगुलेटेड टीलोमरेज होता है, which prevents the telomeres from undergoing this shortening. ठीक है, इसकी वजह से कैंसर सेल्स आर इमॉर्टल. यस, यू कैन से नॉट द सेल डेथ बट द स्टॉपिंग ऑफ सेल डिविजन, मोर टू बी मोर स्पेसिफिक. यस, इट इज अ स्टेटिक से. यप. Okay, so then we go to the पहले हमने पढ़ा कि telomerase important factor है in the tumor development. ठीक है, then we have angiogenesis which is very 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 important, which is production of new muscles. क्योंकि जब tumor एक बहुत बड़ा tissue बन रहा है, ठीक है, एक extra tissue बन रहा है, तो उसे nutrients भी चाहिए होंगे, सब कुछ चाहिए होगा. ठीक है, तो उसके survival के लिए we go and the tissue undergoes angiogenesis. ठीक है, और हमारे पास किसके थ्रू होती है, हम मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में भी कि रिमेम्बर दिस, FGF एंड VEGF. दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि एंजियोजेनेसिस स्किन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से होती है, व्हिच इज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, एंड ऑब्वियसली अवॉइडिंग द इम्यून सर्वेलेंस इज नेसेसरी फॉर द ट्यूमर सेल्स, नहीं तो CD8 किलर सेल्स आके इन्हें खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि म्यूटेशंस जो होती हैं ट्यूमर की, दे ऑफन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स. ठीक है, व्हिच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द MHC class 1. MHC class 1 क्या कर रही थी, एंटीजन प्रेजेंट कर रही थी टू CD8 किलर सेल्स. CD8 किलर सेल्स बेसिकली ट्यूमर सेल्स को खाते हैं, जब उसी में म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है, तो CD8 किलर सेल्स को सही से एंटीजन लाइक प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, और हमारे पास ट्यूमर सेल्स क्या होंगे, ज्यादा ग्रो करते जाएंगे और CD8 सेल्स को पता ही नहीं चलता जाएगा उसका. ठीक है, और हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी इंक्रीजेस द रिस्क फॉर कैंसर. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ट्यूमर प्रोग्रेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल जस्ट रैप अप दिस सेशन विद द लास्ट फ्यू टॉपिक्स. Okay, MHC class 1, basically it is an antigen-presenting cell. ठीक है, ये हमारे पास CD8 cells को signal ले जाता है. ठीक है, CD8 cells जो होते हैं basically tumor-eating cells होते हैं. ठीक है, बाकी भी उनके काम होते हैं, लेकिन they're basically tumor killer cells, उनका एक function है. ठीक है, जब भी हमारे पास इनमें mutations आ जाते हैं, due to tumor also causes mutations in them, तो क्या होता है कि सिग्नल्स नहीं जाते CD8 सेल्स को, जिसकी वजह से CD8 सेल्स को पता ही नहीं चलता कि इधर ट्यूमर ग्रो कर रहा है और वो आके उसे किल करने ही नहीं आता. नो, MHC class 1 proteins are basically उन पे जो mutated proteins होती हैं वो attach हो जाती हैं MHC class 1 पर, not on the CD8 cells. CD8 cells को इधर कुछ भी नहीं हो रहा, उनको बस signal नहीं जा रहा सी से. Okay, so I hope so that is clear. Now we move on to the next. एक सेकंड, MHC class 1 के साथ क्या हुआ? CD8 cells are basically अगर कल लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो हमारे पास ट्यूमर ईटिंग सेल्स हैं वो CD8 cells हैं. ठीक है, दे डो नॉट गो अंडर गो द म्यूटेशंस. ठीक है, दे डो नॉट अंडर गो द म्यूटेशंस. द म्यूटेशन इज इन MHC class 1, जो कि बेसिकली सिग्नल प्रोड्यूस, फर्ज करें मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ, MHC class 1 क्या है, वो उसे पता चलता है कि वो इधर ट्यूमर है, वो सिग्नल जाके ले जाता है CD8 को. ठीक है, इधर इधर आओ, इधर खाओ इसे आके ट्यूमर को.
लेकिन हमारे पास इधर म्यूटेशंस इन ट्यूमर्स कॉजिंग म्यूटेशंस इन एमएचसी क्लास वन, ठीक है, म्यूटेटेड प्रोटीन्स वगैरह जाकर उस पर एमएचसी क्लास वन पर एम्प्लाई करे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास सीडीएट सेल्स को सिग्नल ही नहीं जा रहा सही से, ये मतलब आपके इधर इधर आके ट्यूमर को खाओ, उसको पता ही नहीं चल रहा, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके सो दैट्स ग्रेट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्यूमर प्रोग्रेशन, ठीक है, बेसिकली ट्यूमर इन्वेशन एंड स्प्रेड की बात हो रही है, ठीक है। When there is an accumulation of mutation, it eventually results in tumor invasion and spread. There, as it says, हमारे पास अब उन्होंने okay, okay, okay. Then we have like उन्होंने हमें examples बताए हैं कि epithelial cell tumors are normally attached to one another by cellular adhesion proteins, जो कि हमारे पास E cadherin वगैरह होती हैं। अच्छा, मैं आपको ये पूरा सिंपल करके बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास इन्होंने बताया है कि हमारे पास कैसे इन्वेजन होती है ट्यूमर की थ्रू द टिश्यू, और फिर उसके बाद स्प्रेड उसका कैसे होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एपिथेलियल सेल्स जो बेसिकली एक टिश्यू में होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, थ्रू ई कैथरिन, जो कि एक एडहेशन प्रोटीन है ग्लू की तरह, ठीक है। अब वो जो हमारे पास डाउन रेगुलेशन हो जाती है ट्यूमर की वजह से ई कैथरिन की, ठीक है, तो सेल्स एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं उसी एपिथीलियम के, तो क्या होता है, सेल्स उसमें से चाहते जाते बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और कोलेजिनेज एंजाइम एक रिलीज करते हैं ट्यूमर सेल्स, ठीक है, इसकी वजह से वो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्योंकि टाइप थ्री कोलेजन की, टाइप फोर कोलेजन की बनी हुई है, वो भी बीच में से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, एंड वहां से बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी गुजर जाते हैं सेल्स, ट्यूमर सेल्स, ठीक है। देन दे अटैच टू फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है, इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और ये लोकल स्प्रेड स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये सारा जो अपने उस टिश्यू में ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और जो टिश्यू के साथ जाके जो वेसल लग रही होती है, लिम्फ वेसल लग रही होती है, ठीक है, उसमें भी ये इन्वेड कर जाते हैं, विच अलाउज फॉर मेटास्टेसिस, डिस्टेंस स्प्रेड, मतलब जो बाकी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में भी फिर पहुंच जाते हैं। आई विल रैप इट अप। पहले क्या हुआ, एपिथेलियल सेल्स डैमेज हुआ है कैसे कि उनके बीच में जो ग्लू लगी हुई थी कैदरिन, वो ग्लू डिस्ट्रप्ट हो गई, सेल वहां से निकल गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच गया ट्यूमर सेल, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसका नेक्स्ट टारगेट थी, तो उसने कोलेजिनेज एंजाइम रिलीज किया, वहां से वो निकला, वहां से फिर आगे जाके लोकल टिश्यू को इन्वेड इसने किया, ठीक है, लोकल टिश्यू को इन्वेड किया तो लोकल टिश्यू में जो आके ब्लड वेसल्स लग रही थी, लिम्फ लग रही थी, उसमें साथ साथ ये होता चला गया, वहां पर लिम्फ में लिम्फेटिक सिस्टम में घुस गया, ब्लड में ब्लड सिस्टम में घुस गया, और ये स्प्रेड कर गया। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। ओके सो देन वी हैव द रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है, हमारे पास जो स्प्रेड किस किस के थ्रू होता है, थ्री रूट्स हैं, ठीक है, या तो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, या तो हेमाटोजीनस स्प्रेड होता है मतलब ब्लड का, या ब्लड के थ्रू, या फिर सीडिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ इमेज, ठीक है। हमारे पास पहले क्या है, लिम्फेटिक स्प्रेड है, ठीक है, इट इज करेक्टरिस्टिक फॉर कार्सिनोमास, ठीक है, जो कार्सिनोमास होते हैं बेसिकली उनका क्या स्प्रेड, रूट ऑफ स्प्रेड होता है, एक्सेप्ट फॉर द फोर कार्सिनोमास, सारों का स्प्रेड लिम्फेटिक है, इट कैन बी एन एमसीक्यू फॉर यू, ठीक है। Then we have the blood spread, yeah, hematogenous spread, sarcomas, and these four carcinomas have the blood spread. Jin tumors can be sarcoma, then angiosarcoma, aur ye sare, theek hai? Unka spread through kya hai? From the blood, theek hai? MCQ repeat point is, lymphatic spread is characteristic of carcinomas, hematogenous spread is characteristic for sarcomas, एंड हमारे पास एक्सेप्ट एंड सम कार्सिनोमास भी एक्सेप्शन में आती हैं कि हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा या कोरियोकार्सिनोमा होता है, ये जो चार कार्सिनोमास होते हैं प्लस सार्कोमास ऑल दे स्प्रेड थ्रू ब्लड। सर जो कार्सिनोमास होते हैं दे एक्सेप्ट फॉर दिस फोर, सारे जो कार्सिनोमास होते हैं दे स्प्रेड थ्रू लिम्फ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कार्सिनोमा सार्कोमा में क्या डिफरेंस है, कार्सिनोमा और सार्कोमा का बेसिकली नोट डाउन विद यू ओरिजिन का डिफरेंस है,
carcinomas are originated from epithelial cells, tumors of epithelial cells. Sarcomas are originated from mesenchymal cells. And the last most important point for the MCQs, seeding of the body cavities is characteristic of ovarian carcinomas, which often involves peritoneum. ये क्या होता है? ये ना blood में enter करता है, ना हमारे पास lymph में enter करता है, direct अपना tumor अपने जहाँ पर attached होता है वहाँ से इसकी seeding या फिर इसका shedding शुरू हो जाती है और ये peritoneum वगैरह को जैसे ovarian carcinomas जो है वो कर लेते हैं, invade कर लेते हैं. This is an image shown. Okay, so after that, we have the clinical characteristics. Okay, if you have any questions, you can ask me. Otherwise, I'll move forward. I guess we have no questions. So we have the clinical characteristics. Okay, यहाँ पर benign tumors की बात हुई और malignant tumors की बात हुई भी है. ठीक है. The benign tumors हमारे पास basically क्या होते हैं? Slow growing होते हैं. ठीक है. वेल डिफाइंड होते हैं या वेल सर्कमस्क्राइब कह सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट में मैंने एक वर्ड यूज किया था बिनाइन के लिए, इनोसेंट. ठीक है. तो स्लो ग्रोइंग, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट मतलब इनकी प्रॉपर यू कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड देन मोबाइल. ठीक है. लेकिन जो मैलिग्नेंट होते हैं देर वेरी 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 रैपिडली ग्रोइंग, पुअरली सर्कमस्क्राइब, देर इनफिल्ट्रेटिव. ठीक है. वो टिश्यू को इनफिल्ट्रेट करते जाते हैं. ठीक है. एंड फिक्स्ड टू द लोकल सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. देर नॉट मोबाइल, देर फिक्स्ड. एंड बेसिकली बेनाइन या मलिग्नेंट ट्यूमर को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी यूज द बायोप्सी. ठीक है. बायोप्सीज करते हैं ट्यूमर्स की. देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. We have the histologic features. Okay, so basically again they're telling about the things that I've told you in detail. So hamare paas pehle benign tumors ka bataya ki they're well differentiated. Okay, or they've told us ki the image hamare paas dikhai hui hai ki dekhen these are well differentiated masses. Okay, jabki jo malignant tumor ka dikhaya hua, this is poorly differentiated मतलब differentiation होती है कि कितना वो अपने normal tissue को resemble कर रहा है. ठीक है. ये बिल्कुल poorly differentiated है, ये well differentiated है. And then we have the बाकी histological features बताए हैं benign tumor के organized growth होती है. ठीक है. In an organized manner. इनके nuclei भी देखें uniform है, ज़्यादा तो है लेकिन uniform है. They're not like के you know different sizes में हो, different वो in the malignant tumors हमारे पास क्या होता है, nucleus pleomorphism होता है. ठीक है. क्या मतलब कि various shapes and sizes के nuclei होते हैं. ये these are the most important things of this chapter, keep them in mind. No nuclear to cytoplasmic ratio. ठीक है. cytoplasm मतलब nucleus बहुत बड़ा नहीं होता cytoplasm में, मतलब you know they have like low ratio of difference, minimal mitotic activity. ठीक है. lack of local tissue, no metastatic potential. ठीक है. although they can become metastatic, some benign tumors can become metastatic. malignant tumors पर आते हैं. ठीक है. हमारे पास they are poorly differentiated. image वो आपको मैंने दिखाई थी कि normal tissue से resemblance उनकी बहुत कम होती है, disordered growth होती है. ठीक है. It is due to the loss of polarity. ठीक है. and then we have the nucleus pleomorphism जो कि मैंने आपको बताया अभी, various shapes and sizes के nucleus होते हैं. hyperchromasia. ठीक है. they're like they have like high color window to it and high nuclear to cytoplasmic ratio. ठीक है. high mitotic activity with atypical mitosis. ठीक है. invasion भी होती है into the basement membrane and local structure. ठीक है. And metastatic potential is the hallmark of malignant tumors. Then they show us a image. हमारे पास
बताई हुई है डिफरेंट. अच्छा, दिस इज विद द नेक्स्ट टॉप, दिस इज विद दिस टॉपिक. तो हमारे पास, मैं आपको साथ बता देती हूँ कि जो नॉर्मल इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेन्स होते हैं, ठीक है, एंड द टिश्यू टाइप्स दे आर यूज्ड फॉर, ठीक है, ये स्टेन्स के नाम है और ये टिश्यू टाइप्स के नाम है कि किन के लिए ये यूज होता है. एपिथीलियम के लिए केरेटिन या फिर साइटोकेरेटिन. रिमेम्बर दिस केरेटिन, और जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड डू नॉट फॉरगेट इट. एपिथीलियल सेल ट्यूमर्स के लिए कौन से यूज होते हैं, केरेटिन या साइटोकेरेटिन, ठीक है. सेम वेमटिन के लिए, हमारे मेसेनकाइम के लिए वेमटिन, ठीक है. मसल के लिए डेस्मिन, न्यूरोलजिया के लिए न्यूरोक्लिया के लिए जी फैप, न्यूरॉन्स के लिए न्यूरोफिलामेंट. एंड अदर मार्कर्स में हमारे पास प्रोस्टेटिक एपिथीलियम के लिए वही प्रोटीन का जो असेसमेंट आपको बताया था कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ब्रेस्ट एपिथीलियम के लिए एस्ट्रोजन रिसेप्टर, हमारा ईआर जो होता है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के लिए थायरोग्लोबुलिन, ठीक है. न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के लिए हमारे पास क्रोमोग्रेनिन होता है, मेलानोमा, श्वानोमा, लैंगनहान सेल्स, एस्ट्रोसाइटोसिस के लिए S100. दीज आर मेलानोमा और S100 यू हैव टू रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोस्टेटिक एंड पीएसए यू हैव टू रिमेम्बर, ब्रेस्ट एपिथीलियम एंड ईआर यू हैव टू रिमेम्बर. ये सारी आपने बल्कि याद रखनी है, ठीक है. दीज आर ऑल यू हैव टू रिमेम्बर. देन द लास्ट टॉपिक वी हैव द सीरम ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है. हमारे पास क्या होती है, दीज आर द प्रोटीन रिलीज बाय द ट्यूमर इन टू द सीरम, ठीक है. दे आर यूजफुल फॉर द स्क्रीनिंग, ठीक है. हमारे पास क्या करते हैं, एलिवेटेड लेवल्स इन जो ब्लड होते हैं, ठीक है, हम डिटरमाइन करते हैं. फिर अगर एलिवेटेड लेवल्स होते हैं तो टिश्यू की बायोप्सी करते हैं. पीएसए की एग्जांपल दिया फॉर द प्रोस्टेट अगेन. ग्रेडिंग ऑफ कैंसर्स पर आते हैं हम, ठीक है. ग्रेडिंग, हमारे पास ग्रेडिंग और स्टेजिंग दो चीजें हैं, ठीक है. स्टेजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. ऑल्दो ग्रेडिंग क्या हो, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, कि हाउ मच. ग्रेडिंग क्या होती है कि जितना डिफ्रेंसिएशन क्या होती है इसमें, कि कितना सेल अपने पेरेंट टिश्यू को रिजेंबल करता है, ठीक है. कितना हमारे पास जो न्यू ट्यूमर है वो अपने पेरेंट टिश्यू को रिजेंबल करता है, ठीक है. तो हमारे पास वेल डिफ्रेंशिएटेड जो होता है, जो कि ज्यादा रिजेंबल करता है, उसका लो ग्रेड होता है, ठीक है. और जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं, जो कि अपने पेरेंट टिश्यू को इतना रिजेंबल नहीं करते, उनका हाई ग्रेड होता है, ठीक है. और इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग प्रोग्नोसिस, ऑब्वियसली हमारे पास आगे ये डिटरमाइन करता है कि कितने हद तक हम, मतलब इसका इलाज सक्सेसफुल रहेगा. तो वेल डिफ्रेंशिएटेड कैंसर्स हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कैंसर्स. लेट मी मूव ऑन टू द स्टेजिंग ऑफ कैंसर, ठीक है. स्टेजिंग क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग इन कैंसर. इट इज द असेसमेंट ऑफ साइज, मतलब ट्यूमर कितना बड़ा है, ठीक है, और कितना इन्वेड कर, एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर, ये स्प्रेड उसका कहाँ कहाँ हो गया, ठीक है. तो बेसिकली टीएनएम स्टेनिंग होती है, पहले मैं बता दूं कि इट इज अ क्विक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ठीक है. इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रेडिंग, डिटरमाइंड बाय आफ्टर फाइनल सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर. ये क्या करते हैं, ट्यूमर को पहले हमारे पास सर्जरी करती है, उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. एंड इट इज बेसिकली टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम. टी से हमारे पास क्या आता है, ट्यूमर का हम साइज एंड डेप्थ ऑफ इन्वेजन देखते हैं, कि कितनी हद तक, कितना बेसमेंट मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ इसने, कितनी हद तक किया हुआ है, ठीक है. एंड देन वी लुक एट द एन व्हिच इज स्प्रेड टू द लोकल लिम्फ नोड्स, ठीक है. एंड देन वी लुक एट द एम, ठीक है, व्हिच इज मेटास्टेसिस, के वो स्प्रेड तो हो गया लोकल लिम्फ नोड्स में, लेकिन कहाँ कहाँ जाके फिर से उसने ट्यूमर प्रोड्यूस किया, तो इट इज एम. Here we wrap up this chapter, and if you have any questions, just drop them off. If you don't have any questions, we'll move on to the test session after 2 minutes.
Okay, so yes, MCQ exam of it. So we're gonna move on to the MCQ session. जो उससे पहले आपको मैं एक ये दो डायग्राम्स हैं ये मैं आपको बता दूं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, स्क्रीनशॉट देम विद यू. ओके, अब हमारे पास बताया कि रोल ऑफ ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर इन द कैंसर डेवलपमेंट. जो अभी हमने बात की थी ऑन्कोजीन की और ट्यूमर सप्रेसर जीन की. ठीक है, पहले हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन होती है विच इज अ नॉर्मल जीन, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो जाए तो इट कैन बिकम एन ऑन्कोजीन. तो इसमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है, इट बिकम्स एन ऑन्कोजीन. ठीक है, ये उन्होंने डिफरेंट टाइप्स बताए. अब इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता. बेसिकली इट इंक्रीजेज द सेल ग्रोथ और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, फिर उसमें साथ में बताया हुआ है कि इन इट वी हैव द लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन एंड इट कैन लीड टू द ट्यूमर फॉर्मेशन. अब इसमें प्रोटोन के जीन में क्या थी, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन थी, और ट्यूमर सप्रेसर जीन में हमारे पास क्या थी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन था. देखिए जो ओके गुड क्वेश्चन. ठीक है, देखिए हमारे पास जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, उसमें तो एक्टिवेटिंग म्यूटेशन चाहिए होगी ना, ताकि वो एक्टिवेट हो. ठीक है, और वो आगे जाके ऑन्कोजीन बने. ठीक है, तो इट कॉजेज लाइक मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि सप्रेस कर रही है, ठीक है, तो उसमें तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन चाहिए होगी ना, कि इसके फंक्शन का लॉस हो ताकि हमारे पास सेल ग्रोथ हो. Then we move on to the next, adenoma carcinoma sequence. ठीक है, adenoma carcinoma sequence में हमारे पास क्या होता है कि ये basically आप diagram याद रखें, GIT में भी आगे बहुत आएगी. ठीक है, it is basically they are telling about the genes. basically हमारे पास normal colon से adenoma जब progress करता है तो उसमें हमारे पास होती है APC की mutation. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास normal adenoma जब बनना होता है फ्रॉम द नॉर्मल कोलन, तो हमारे पास केरास की म्यूटेशन होती है. एंड देन वी हैव द एडिनोमा से कार्सिनोमा जब बनता है तो वी हैव द P53 म्यूटेशन. सो बेसिकली ऑब्वियसली लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा ना, तो उसमें पहले लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, देन वी हैव द लॉस ऑफ फंक्शन. यस एग्जैक्टली मिर्ज़ा, यू आर राइट. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द टेस्ट सेशन. लुक एट दिस क्वेश्चन एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर इट.
ओके सो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का हमने पढ़ा था कि बेसिकली मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कॉज होता है यूवीबी रेडिएशन होती है सनलाइट. सी आंसर इज करेक्ट. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोस्टेट में कौन सा हमारे पास ट्यूमर मार्कर यूज होता है. Yes, everyone's correct here. It's PSA. Here we move on to the next question. Yes, you guys are right. Again, mashallah, it's pap smear. Next question. You can just answer whatever you think. Yes, correct. It's A. Yes, very nice. And then we have this USMLE based question. They're telling K the rat subjected to chronic inhalation exposure of formaldehyde develop a squamous cell carcinoma. Decreased activity of which one of the gene is most likely to be cytogenic study in the tumor cells? Yes, it's P53. And then we move on to the next question. यस यहाँ पर स्टेन जो मेन है वहां पे साइटोस्केलेटन की बात हो रही है तो उसके लिहाज से आप लोग आंसर करें. वेरी गुड अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. एंड विद दिस वी रैप अप टुडे सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर आस्किंग आंसरिंग हियर. एंड आई होप सो यू गाइस रिवाइज दिस. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन माय नंबर जहां से लिंक शेयर हुआ है. Thank you so much. Goodbye. Recording stopped.